नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसआर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जया हनुकिया। आइए नजर डालते हैं सुपर सेवन खबरों पर। शाहीन बाग को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेने पर दी बधाई। जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि काश आप इस मौके पर मौजूद रहते। भारत ने कोरोना वायरस पे की बड़ी सफलता दर्ज। कोरोना वायरस से संक्रमित तीनों भारतीयों का संक्रमण हुआ खत्म। भारत में कोरोना का अब कोई केस नहीं है। मालदा जिले की सीमा पर स्थित गंगा नदी पर बन रहे ब्रिज का निर्माणाधीन हिस्सा गिरा। हिस्सा गिरने से दो लोगों की हुई मौत, वहीं सात लोग घायल हुए। पटियाला हाउस कोर्ट राज और निर्भया के माता पिता की याचिका पर आज फिर से करेगी सुनवाई। कोर्ट में दोषियों के खिलाफ नए सिरे से डेथ वारंट जारी करने की मांग की गई है। इंग्लैंड ने टी20 की सीरीज के तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। शेयर बाजार शुरुआती बढ़त गंवाकर नुकसान में आ गया है। सेंसेक्स 109 अंक गिरकर 41,148.62 पर आ गया है। वहीं निफ्टी ने 40 पॉइंट गिरकर 12,073.65 का निचला स्तर। सुपर सेवन खबरों में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए जेएसआर टाइम्स।